13 जून 2019 लोहिया गांव मेरठ। इस गांव के लिए ये सुबह भी एक आम सुबह थी, जब तक कि यहां रहने वाले एक शख्स ने दिल को हिला देने वाला वो मंजर नहीं देखा था। वो मंजर क्या था? एक ऐसी तस्वीर थी जिसे कोई भी इंसान शायद कभी ना देखना चाहे। गांव की पगडंडियों में खेतों के बीच से एक कुत्ता मुंह में कुछ दबाए हुए तेजी से चला जा रहा था। दूर से तो इस कुत्ते को देखकर उसके मुंह में रखी चीज का पता नहीं चला, लेकिन जब वो करीब से गुजरा और उस चीज पर नजर गई तो देखने वाले का सिर घूम गया। ये चीज क्या थी? एक इंसान की बांह थी। ये देखते ही उस चश्मदीद ने गांव के दूसरे लोगों को इसकी खबर दी और आनंद फानन में मेरठ पुलिस मौके वारदात पर थी, क्योंकि जिस तरह से कुत्ता इंसानी हाथ को लेकर गांव से गुजरा था उसे देखकर साफ था कि यह मौत मामूली नहीं थी। क्योंकि अगर मौत मामूली होती तो या तो उस शव का किसी शमशान में पूरी तरह अंतिम संस्कार हो गया होता, या फिर किसी कब्रिस्तान में लाश इतनी गहरे दफन होती कि कुत्ते के लिए उसका कोई भी हिस्सा खोद कर निकालना मुमकिन नहीं होता। गांव वालों के बताने पर पुलिस ने बगैर देर किए आसपास के इलाके की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उनका शक सही निकला। यहीं रहने वाले शबीह अहमद के खेत में एक जगह मिट्टी खुदी हुई थी और इंसानी जिस्म के कुछ हिस्से मानो बाहर झांक रहे थे। गांव वालों की मदद से फौरन ही पुलिस ने उस जगह को खुदवाया और अंदर से एक लड़की की लाश निकली। एक ऐसी लाश जिसका सिर कटा हुआ था और बाहें गायब थी। बस यूं समझ लीजिए कि धर और पैर यही सही सलामत थे और बस इतनी ही चीज जमीन में दफन थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पहली नजर में इस सिरकटी लाश को देखकर यह कोई 20-25 साल की लड़की की लाश लग रही थी। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की शुरुआत की। तफ्तीश गांव वालों से ही शुरू हुई। पुलिस ने गांव के तमाम लोगों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये लाश किसकी हो सकती है, लेकिन जैसा कि आम तौर पर होता है, गांव में कोई भी या तो उस लाश के बारे में जानता नहीं था या फिर जानबूझकर कुछ बताना नहीं चाहता था। यहां तक कि वो शबी अहमद भी नहीं जिसके खेत में ये लाश दफनाई गई थी। जाहिर है मामला कत्ल का था और पुलिस को हर हाल में कातिल तक पहुंचना था, लिहाजा पुलिस पूछताछ कर गांव से चली तो गई, मगर उसने आसपास के तमाम इलाकों से गायब हुई लड़कियों के बारे में पता करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा और मेरठ पुलिस सिर्फ अपने जिले में ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे जिलों से भी गायब हुई लड़कियों की लिस्ट खंगालती रही, मगर इस कोशिश में एक भी लड़की या उसके घर वाले ऐसे नहीं मिले जिनका वास्ता लोहिया गांव के इस बदनसीब वाकये से हो सकता था। दिन गुजरते रहे और हर नई तारीख के साथ पुलिस के लिए इस कत्ल को सुलझाना एक नई चुनौती बनती रही। लेकिन तभी मेरठ के एसएसपी अजय साहनी के दिमाग में एक गजब का आइडिया कौन था, एक ऐसा आइडिया जो शायद आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सबसे बड़ी मिसाल थी। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली।